बिहार राज्य शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाले STET एग्जाम में धांधली को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जमकर हंगामा काटा। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में एकजुट होकर सचिवालय पहुंच गए और यहां चक्का जाम कर दिया। इसके अलावा पटना में STET एग्जाम में धांधली को लेकर जाप की छात्र इकाई ने भी परिणाम के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र संगठनों ने सरकार का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। देखिए, बिहार में लगातार परीक्षा का जो परिणाम आ रहा है, एक उम्मीद की आस लोगों में जगी रहती है, विद्यार्थियों में, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो उसमें बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे धांधली नज़र आ रही है। जब सरकार रिजल्ट निकालती है पूरे बिहार में और बिहार के अन्य स्टेट में भी, ये देखा गया कि पहले कटअप लिस्ट जारी होता है। STET बोर्ड बताए कि आपके यहाँ 15 सब्जेक्ट की परीक्षाएं हुई, उस 15 सब्जेक्ट में 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट आपने पहले निकाला, आपने ये क्यों नहीं बताया कि उस सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियाँ थी, कितने पद खाली थे, कितने लोगों ने अप्लाई किया, और उसके बाद जब आप रिजल्ट निकालते हैं तो सिर्फ मेगा सूची जारी करते हैं, उसमें आरक्षण कहीं नहीं है। ढिंढोरा नीतीश कुमार जी 33% आरक्षण का पीट रहे पूरे बिहार में, महिलाएं आरक्षण कहाँ थी, OBC SC ST का आरक्षण कहाँ वहाँ नजर आया, आप डायरेक्ट मेगा सूची जारी कर रहे हैं। आप सर, आपसे बच्चा सवाल पूछ रहा है, जब रिक्ति, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो भी लोग पास होंगे उनको हम बहाल कर लेंगे, उनको नौकरी दे देंगे, जितने लोग पास हुए हैं आधा से ज़्यादा लोग को निकाल दिया गया, यह कहकर के हमारे यहाँ सीट नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम स्पष्ट मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इसकी अभिलंब जाँच करवाएं। ये राजनीतिक कहीं ना कहीं खफलेबाजी इसको कहिए शिक्षा जगत में, और इसकी जाँच हम लोग हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से करवाना चाहेंगे। हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, और जल्द से जल्द अगर ये जांच नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे।